अपने घर में है, ठीक है। अच्छा, घर में नहीं, कहीं कहीं जगह पे आप विजिट किए, आग लग गई, एंड यू डोंट हैव एनी एस्केप, यू डोंट हैव एनी एस्केप एक्सेप्ट फॉर एक विंडो है, आप सेकेंड फ्लोर पे हैं एंड आपको जंप करना होगा, दैट इज़ द ओनली एस्केप विथ यू। अगर जनरल सिचुएशन में बोले, अगर जनरल सिचुएशन में बोले और आग नहीं लगी हुई है, आप वहाँ पे हैं, कोई आपको बोलेगा कि खिड़की से कूद जाओ, आप कूद जाएंगे? कोई नहीं कूदेगा, लेकिन पागल हो क्या? ठीक है, करेक्ट, कूद जाओ, नेवर, ठीक है, देर इज नो नीड। लेकिन अगर उस सिचुएशन में बोला जाए आपको कि जंप, तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तो कहाँ से होगा? नीड से होगा, करेक्ट, नीड से होगा। नीड, आपको गर्मी लगने लगेगी, यू विल फील द बर्न, क्या हम जलने वाले हैं, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आएगी, एंड देन यू हैव टू जंप, राइट। सो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट पैदा करने का यही है, यू हैव टू फाइंड योर नीड, ठीक है। आपको वो सब्जेक्ट पे नीड समझना होगा, ठीक है। आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट्स भी हमने देखा, क्या व्यू पॉइंट है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अवॉइड कर देना है ना, अवॉइड कर देना है, उसको नहीं पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, है एक दो स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, ठीक है, बस उसमें पास हो जाए, ठीक है, बाकी सब में चल जाएगा, बाकी सब में अच्छा कर लेंगे, उससे नहीं चलेगा। उसमें नीड पैदा करना होगा, आपको एक नीड पैदा करना होगा अपने अंदर कि हम इसको कैसे वो नीड लाएं कि ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन हो जाए, कैसे वो नीड पैदा करें कि ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन हो जाए। हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि अचानक से एक आता है कि एक रिक्शे वाले का बेटा लैंप पोस्ट में पढ़ के ये बन गया, क्यों बन गया? उसको वहाँ पे इतने हॉर्न्स थे, इतना स्ट्रीट्स था, है ना, रात को डॉग बार्क करता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा, क्राइम होता होगा, क्यों वो बन जाता है? एंड जब हम लोग को हर कुछ प्रोवाइडेड है, बेसिक नीड्स हमारे सब प्रोवाइडेड हैं, हम लोग का काम क्या है? एक ही चीज़, एक स्टूडेंट का काम क्या है? एक ही चीज़ काम है, घर नहीं चलाना है, जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, है ना, जीडीपी 5 हो 4 हो 2 हो 1 हो, क्या करना है स्टूडेंट को, ठीक है, अंटिल अनलेस प्रोवाइडेड विद बेसिक नीड्स, ठीक है, क्या करना है? एक ही काम है, पढ़ना है, और बाकी उसके बाद जो टाइम मिल जाए अपना फर्दर चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, जो भी अदर इंटरेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारी नीड नहीं है, नीड ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। वो रिक्शे वाले का बेटा पढ़ के निकल सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास नीड है, हो सकता है उसके पास साधन नहीं हो, उसके पास साधन नहीं हो, उसके पास वे नहीं हो, लेकिन वो वे निकाल लेगा क्योंकि उसके पास नीड है, ठीक है। एक एग्जिट करना है, जो आग बिल्डिंग में आग लग गई है, वो आदमी को, वो पर्सन को कूदना होगा, साधन नहीं है, कूदना होगा, राइट। सो ये नीड इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपको अपनी नीड समझना है, आपको ये नीड, आपको ये समझना है कि पढ़ाई क्यों नीडेड है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में हम लोग बोलते हैं ये क्या काम आएगा मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, ये क्या काम आएगा मेरी ज़िंदगी में। आप बताइए, कोई भी सिलेबस ऐसे ही डिज़ाइन हो जाता है? कोई भी सिलेबस ऐसे ही डिज़ाइन हो जाता होगा क्या? कोई लॉजिक तो होगा डिज़ाइनिंग के पीछे, कोई चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, उसी के बेसिस पे डिज़ाइन होता है, राइट। लोग बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, है ना, ये क्यों पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, तो नीड है। 12th तक यू डोंट हैव अ करियर, डिटरमाइंड करियर कि आप कहाँ आगे जाने वाले हैं, यू डोंट नो व्हाट यू विल बी रिक्वायरिंग, करेक्ट, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि आगे का सिलेबस क्या होगा, आगे हमको रिक्वायरमेंट क्या होगा। सो हाउ विल नो व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डोंट नीड, करेक्ट। यू हैव टू डेवलप अ नीड इन योर सिलेबस, इन योर सब्जेक्ट्स, एंड जो सब्जेक्ट को नहीं समझ में आ रहा है, पहले आपको ये समझना है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है उसको। उसको हमने बोले कि आप टॉप कर जाएंगे, आप लेवल पे तो लाइए। जब आपको इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, अंटी अनलेस एक पर्सन को इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो कभी सुपियोरिटी की तरफ जाता भी नहीं है, है ना।
अगर आपकी बेइज्जती नहीं होगी तो आपकी इज्जत भी नहीं होगी, करेक्ट है? तो अगर आप कहीं वीक हैं तभी आप वहाँ स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है? मैम यहाँ पे हम आपको बता दे रहे, मेरा 12th का सिलेक्शन का रिजल्ट्स का एग्ज़ाम बता दे, उसका मार्क्स है 13 मैथ्स में, ठीक है? अब उसके बाद मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है मैथ्स का, हम बता रहे 12th का, 100 माइनस 13 87 माइनस 1 86, ये मेरा मार्क्स है, ठीक है? हमारे पास 12th का सिलेक्शन का रिजल्ट ये नहीं है, लेकिन 12th का रिपोर्ट है, ठीक है? सो वैलिड। अब आता है कि नीट टू बना लिया, कंसंट्रेट करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए सरफेस फिनोमिनन का हम बहुत सारा आपको बता सकते हैं, मोबाइल ये करिए, ध्यान लगाइए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन कंसंट्रेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको उसका वैल्यू समझ में आ जाए, किसी चीज़ का वैल्यू समझ में आ जाए, करेक्ट? तभी आप कंसंट्रेशन करके उसको क्लियर कर सकते हैं। अनटेनलेस कुछ भी आप बेसिक रूल्स बना लीजिए, और सबसे अच्छा समझ में आ गया, एक सेशन में होता है कि हमको एक कंसंट्रेशन का टेक्निक समझ में आ गया, अब बस हो गया, अब तो समझ में आ गया, अब कुछ जाके नया समझेंगे करेंगे नहीं, कुछ तो करना होगा, ठीक है? तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ करना होगा, ठीक है? अभी वी विल डू अ टाइम एनालिसिस वेर यू विल कम टू नो दैट यू हैव ओनली फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर सिलेबस। आपके पास डेज कम है एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है, करेक्ट? ओके, कमिंग टू रियलिटी चेक, एक रियलिटी